कराची में एमेजना रोड कैपरी सिनेमा के करीब मुसल अफराद की फायरिंग, कोस्ट गार्ड एहलकार जाँबहक हो गया। जाँबहक होने वाले कोस्ट गार्ड एहलकार की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कराची से, मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद। जी हाँ, ये वाकया प्रीडी थाने की हदूद में मेन एमेजना रोड पर कैपी सिनेमा के नजदीक पेश आया है, जहाँ नामालूम मुसल्ला मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों की जानिब से फायरिंग की गई है, जिससे कोस्ट गार्ड एहलकार बिलाल जाँबहक हो गया है। मकतूल बिलाल की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। तमाम पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकया बज़ाहिर जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से की गई फायरिंग का नतीजा बताया जा रहा है। तमाम इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मौके पर से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और गिर्दो नवा के सीसीटीवी कैमरों की फोटेजेस भी हासिल की जा रही हैं, ताकि इस हवाले से तयन किया जा सके कि मकतूल बिलाल, जो कि कोस्ट गार्ड का एहलकार था और नामालूम हमलावरों की फायरिंग से जाँबहक हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।